हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे एनओएस के रिगार्डिंग बात करूंगा, एडमिशन के रिगार्डिंग बात करूंगा और कौन कौन बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस के जो एडमिशन है ना वो स्टार्ट हुए हैं, तो विदाउट लेट फीस जो है ना वो आप 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा 9th फेल है तो वो यहाँ से 10th ओपन से कर सकता है, कोई बच्चा 11th फेल है तो वो 12th ओपन से कर सकता है। अगर कोई बच्चा 10th में फेल है तो वो ये चाहता है कि जिन सब्जेक्ट में फेल हूँ मैं उसे करके फिर अगली क्लास कर लूँ, तो वो जिन सब्जेक्ट में फेल है ना तो उन सब्जेक्ट के पेपर देकर वो जो है ना अगली क्लास में पहुँच सकता है, तो यहाँ पर ये भी फैसिलिटी होती है। मेरे को समझ रहे हैं, ऐसी 12th क्लास में अगर कोई बच्चा किस सब्जेक्ट में फेल है तो उन सब्जेक्ट के पेपर देकर वो अगली क्लास में फिर या आगे की तैयारी कर सकता है, जैसे कॉलेज वगैरह कहीं से कर सकता है। ठीक है, ये एनओएस पूरी तरह से गवर्नमेंट है और इसमें बहुत मामूली फीस होती है, ज़्यादा फीस नहीं होती। तो एडमिशन के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप खुद आपको विजिट करना सिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, आपको ऑफिशियल साइट देखनी है ये वाली। जब आप इस ऑफिशियल साइट पर क्लिक करोगे तो आपको ये लिंक दिखेगा, मतलब जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो फिर आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप ये पूरा पेज देखेंगे, ये ऑफिशियल साइट का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम्स अंडर अकेडमिक कोर्स सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10th या 12th में जिसमें भी आपको एडमिशन करवाना है तो उसके रिगार्डिंग आप यहां पर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें कोर्सेज होते हैं, जैसे वोकेशनल कोर्स हो गए, ठीक है, आईटीआई लर्नर्स के लिए हो गए, तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये ओपन से स्टडी होती है, तो हम प्रोस्पेक्टस चाहे तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधा एडमिशन पर चलते हैं। प्रोस्पेक्टस में क्या है, क्या फीस रहेगी, कब कब एडमिशन होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर होती है। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया तो आप देखोगे ये चीज़ ओपन हो गई है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये जो मेन्यू है ना ये, और मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिखाई दे जाएंगे, तो आपको इसमें एकेडमी पर क्लिक करना पड़ेगा। पहले आप एडमिशन पर क्लिक कीजिए इस पर। ठीक है, एडमिशन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक करना आपको इधर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे एकेडमी का प्रोस्पेक्टस भी है। अगर वहां पर पुराने साल का शो हो रहा होगा ना तो आप यहाँ पर 2024-25 का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि आया है नहीं आया 2024-25 का, तो यहाँ पर अभी भी 2024-25 का शो नहीं कर रहा। तो मैं आपको बाकी एडमिशन का दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, एकेडमिक में जाना है, ये रहा एकेडमिक, ये रहा। ठीक है, तो अकेडमी पर जाएंगे तो फिर यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये लिखा 2025। ठीक है, ये लिखा ओपन, तो ये प्रोसीजर ऑफ एडमिशन लिखा है, सारी कुछ यहां पर डिटेल आपको मिल जाएगी, बहुत सारी डिटेल यहां पर दे रखी है। तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो आपको जो है यहां पर स्ट्रीम वन पर क्लिक करना है। स्ट्रीम वन मतलब इसमें ना एनएएस में दो बार पेपर होते हैं, ठीक है, एक बार अक्टूबर वाले और एक बार अप्रैल वाले। जो अप्रैल में भरेंगे वो अगले साल अप्रैल में पेपर देंगे, जो अक्टूबर में भरेंगे वो अगले साल अक्टूबर में पेपर देंगे। जो ऑन डिमांड वाले होते हैं ना, जैसे वो किस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो सब्जेक्ट देना चाहते हैं, या जिनकी इसी में पेपर देते हुए री आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाते हैं, तो वो ऑन डिमांड मतलब जल्दी पेपर करवाने के लिए भरते हैं। आपको अब अगले साल पेपर देने, जैसे आप 10th यहाँ से भरना चाहते हैं तो आपको अप्रैल वाला अभी भरना चाहिए क्योंकि अभी अप्रैल की डेट है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे स्ट्रीम वन, समझ के स्ट्रीम वन किन्हें कहते हैं। फिर आपको ये पूरा प्रोसीजर करना है, ठीक है, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, प्लीज चूज द फॉलोइंग, आपको सारा का सारा चूज करना है क्योंकि पूरी इंडिया के लिए होता है, पूरी इंडिया में कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो और बाकी जितनी भी आपको जानकारी चाहिए, अगर आप कहेंगे फॉर्म कैसे भरना है तो एक अलग से वीडियो भी फॉर्म के रिगार्डिंग बना दी जाएगी। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखना, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो ना तो बाद में आपको जब पेपर देने होते हैं तो 3-4 महीने पहले आपको, अगर आपने इसी में एग्ज़ाम की फीस नहीं भरी
तो जैसे आप अप्रैल में पेपर दोगे अगले साल, तो आपको नवंबर दिसंबर के आसपास ही एग्जाम फीस देनी पड़ती है। नहीं दोगे तो फिर आपके अप्रैल में पेपर नहीं होंगे, फिर आपके 6 महीने और वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप साथ में भर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, बाकी वो आपको चेक करना पड़ेगा पूरा, जब फिल करोगे फॉर्म। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, और बाकी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।